दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को मैंने मोबाइल से गूगल एडसेंस अकाउंट का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे करते हैं इसके बारे में बताया था, और आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं उसी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के रिजल्ट के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। मैं हूं शैलेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं रियल टेक हेल्प। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मैंने किया था उसका रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर साइड में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख पा रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर पहले मेरे पास एक मेल आया, मेल में बताया गया कि आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैंने एडसेंस अकाउंट में जाकर चेक किया, तो दोस्तों वेरिफिकेशन करने के बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के आगे दोस्तों इन प्रोग्रेस लिख के आ रहा था। अब वहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट लिख चुका है। दोस्तों, यहां पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे दिए गए पते पर गूगल एडसेंस अकाउंट का एड्रेस वेरिफिकेशन पिन भी सेंड कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहां पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों, यहां पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने में समय जो है वो थोड़ा ज्यादा लगा, यहां पर 24 से 48 घंटे लग गए हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने जितने भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किए हैं वो 24 घंटे के अंदर ही सक्सेसफुल कंप्लीट हुए हैं। दोस्तों, इसमें टाइम ज्यादा इसलिए लग गया है क्योंकि दोस्तों यहां पर जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मैंने किया है यह एक बार फेल हो गया था। पिछली बार मैंने इसे फिजिकल पैन कार्ड के द्वारा नहीं किया था, ई पैन कार्ड के द्वारा किया था। ई पैन कार्ड हमें पीडीएफ फाइल के रूप में प्राप्त होता है, वह एडिट करके बनाया जाता है। और दोस्तों, यहां पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए हमें जो आईडी प्रूफ अपलोड करनी होती है वो फिजिकल में करनी होती है। हम वोटर आईडी करें या फिर पैन कार्ड अपलोड करें, उसकी फोटो हमें निकाल कर अपलोड करनी होती है। उसमें चारों कोने आईडी के दिखने चाहिए दोस्तों, तभी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो सक्सेसफुल कंप्लीट होता है। और पिछली बार मैंने ई पैन कार्ड लगाया था जो कि पीडीएफ के रूप में होता है और एडिट करके बनाया जाता है, इसीलिए यहां पर मेरा जो फर्स्ट टाइम मैंने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया था वो फेल्ड हो गया था। और यहां पर जो दूसरी बार मैंने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फिजिकल पैन कार्ड के द्वारा किया है, वो पैन कार्ड जो हमें पोस्ट से प्राप्त होता है उसके द्वारा किया, तो दोस्तों यहां पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने गूगल एडसेंस अकाउंट के आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को करना चाहते हैं तो आप फिजिकल पैन कार्ड के द्वारा करें। जो पैन कार्ड हमें पोस्ट के द्वारा प्राप्त होता है, डाक के द्वारा प्राप्त होता है, उसी की फोटो कैप्चर करके आप अपलोड करें आईडी प्रूफ में। तो दोस्तों, यहां पर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा और यहां पर आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो दोस्तों, यहां पर मेरा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और एड्रेस वेरिफिकेशन पिन भी हमारे दिए गए पते पर सेंड हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी की जानकारी मैं आगे आने वाले वीडियोस में आप लोगों को देता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।